ये है भाखड़ा की सिल्वर फिश, ये कम से कम 30-30 किलो की क्वांटिटी में आती है सर। ये है मुराक मच्छी, ये है रेहू फिश, ये भाखड़ा की है, ये सिंगाड़ा फिश सर, कतला फिश, ये भी भाखड़ा की आती है, रूपचंद। तो हिमाचल की फेमस फिश यहाँ पे आ चुकी है, पूरी की पूरी गाड़ी हमारी यहाँ पे फिश से लोड होके, तो क्वांटिटी इसमें पूरी की पूरी गाड़ी भर के हमारी फिश यहाँ पे आ चुकी है, वेयर हाउस में लेके जाएंगे इसको। भैया कौन कौन सी वेरायटी रहती है आपका फिश? सिल्वर है, महाशेर है, गोल्डन है, रेहू है, कतला है, सिंगाड़ा फिश है, ये है मुराक मच्छी, यस सर, ये लोकल भाखड़ा डैम की है। अच्छा, भाखड़ा डैम से आती है। हाँ जी। और ये है रेहू फिश। अच्छा, रेहू ये भाखड़ा की है, ये सिंगाड़ा फिश सर, सिंगाड़ा फिश ये ब्यास रिवर। अच्छा, तो ये हिमाचल में मिलती है ये? हाँ, ये ब्यास रिवर की है यहाँ की। अच्छा। और सर ये सिल्वर कार्प। ओ, तो आप साइज देखो तो कितनी बड़ी फिश है यहाँ पे। तो भैया कितने किलो की होगी ये? सर ये 6-7 किलो की फिश है, पर इससे बड़ी बड़ी भी आती है, 15-15, 20-20 किलो की भी आती है सर। 20-20 किलो की फिश आती है? यस सर। सर ये है कतला फिश ये भी भाखड़ा की आती है। तो लोग सबसे ज्यादा कौन सी फिश पसंद करते हैं? सिंगाड़ा फिश और सिल्वर फिश जो है ज्यादा लाइक करते हैं ना। तो ये कतला फिश है सर। अच्छा, कतला फिश। हाँ जी, ये भी बहुत बड़ी बड़ी 20-20 किलो तक की आती है, बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। ए ग्रेड की फिश है ये, नंबर वन। ए बी सी ग्रेड होते हैं, एक सिंगाड़ा, एक रेहू और एक कतला। अच्छा। ये जो है ए ग्रेड में आती है। और ये दूसरी है रूपचंद। अच्छा, पापलेट की तरह लगती है ये। हाँ, खाने को बहुत अच्छी होती है सर। तो यहाँ पे हमारी फिश की कटिंग करी जा रही है। कितनी कटिंग हो जाती है फिश की यहाँ पे? सर यहाँ पे डेली होती है 150 से 200 किलो के बीच। सर यहाँ पे पूरा दिन फिश कटेगी, और जो मैंने आपको बाहर बॉक्सेस दिखाए, रेहू, कतला, सिंगाड़ा, सिल्वर, वो भी फिश अब आएगी अंदर को, और उसकी भी पूरा दिन कटिंग होती रहेगी प्रॉपर तरीके से। ठीक। ये मैंने आपको भाखड़ा की सिल्वर फिश बताई, देखो इसकी चांप कैसे निकाली हुई है, चांप जो है देखो। ये जो फिश है ये तंदूर के लिए बेस्ट मानी जाती है। अच्छा। तंदूर के लिए ये फिश इतनी बेस्ट है क्योंकि इसमें जरा भी ऑयल नहीं होता है। तो हमारी फिश की प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया? हम पहले इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा देख सकते हो तवे पे सरसों का तेल आ चुका है यहाँ पे, हम इसका मैरिनेशन करेंगे। तो कौन सी फिश आती है भैया? सर ये सिल्वर फिश है। सिल्वर फिश? हाँ जी, जो मैंने आपको दिखाई थी। और ये सिंगाड़ा फिश है। तो डेली की कितनी फिश लग जाती है यहाँ भैया? सर मैं 100 या 150 किलो, 100 से 150 लग जाती है। यस सर, 100 से 150 किलो यहाँ पे फिश लग जाती है। तो मसाले में फिश को अच्छे से मिलाया जा रहा है। तो स्पेशल मसाला रहता है आपका ये? हाँ जी, ये चने की दाल का बनाया होता है, इसमें सारे मसाले जो होते हैं हमने मशीन से ग्राइंड किए होते हैं ना। अच्छा। और ये देखिए रेडी करने जा रहा ऑयल में हमारी फिश आ चुकी है, अब इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई किया जाएगा। तो कैसे सोचा था हिमाचल में फिश लगाने का हमीरपुर में? सर हमारा फिश का ही काम था, पापा पहले फिश का काम करते थे। अच्छा। फिर आगे आगे हमने भी वही काम सीख के वही आगे को बिजनेस बढ़ाया। अच्छा। हाँ जी, तो ऐसी क्या खास बात है कि लोग इतनी फिश पसंद करते हैं आपकी यहाँ? सर एक्चुअली ये जो फिश होती है ना ये बिल्कुल फ्रेश वाटर से बिल्कुल फ्रेश आती है। और प्राइस क्या रहता है फिश का यहाँ पे? सर यहाँ पे फिश का प्राइस है 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो? जी सर। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से हमारे यहाँ पे फिश को अच्छे से फ्राई किया जा रहा है, और हमीरपुर में इनकी फिश लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 100 से 150 किलो यहाँ पे फिश बेच देते हैं ये। और आप कलर देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे सर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अभी क्या डालने वाले सर? सर ये गार्लिक पेस्ट डाल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इससे क्या होता है? इससे सर फिश का जो टेस्ट है, जो जायका है ना, वो होता है, और फिश जो वो क्रिस्पी हो जाती है। फिश ये आपकी फिश बन के तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कैसे गोल्डन कलर आ चुका है। तो ये क्या क्या डाल रहे हो? ये चाट मसाला सर, रेड चिली है, तो फाइनली हमारी फिश यहाँ पे लग के रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी सिल्वर फिश, तो देख सकते हो इसको अच्छे से मैरिनेट किया हुआ, एकदम गर्मा गर्म सर्व किया है। साथ में देख सकते हो ये है इनकी ग्रीन चटनी। तो इनकी चटनी जो है ग्रीन चटनी पुदीने की रहती है। सैलेड में आपको मूली मिल जाएगी, धनिया मिल जाएगा, ऊपर से गलगल का रस डाला हुआ इसमें। तो चलिए चलते इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इनकी फिश जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने मैरिनेट किया हुआ है। इससे बढ़िया फिश मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगी। खास बात यह है कि इनके मसाले बहुत बढ़िया रहते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं एकदम फ्रेश बनाते हैं। डेली फ्रेश फिश आती है, फ्रेश सर्व की जाती है। टाइमिंग क्या रहती है आपकी शॉप की? सर इसकी टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में 10 बजे से शाम के 9 बजे तक।
और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो यहाँ पे? हफ्ते में 6 दिन लगती है, ट्यूजडे क्लोज होता है। और एड्रेस बता दीजिए किसी को फिश खानी हो यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश, जिला हमीरपुर, तहसील नादौन, क्या कस्बे में रंगस जगह है ना, वहाँ का ये रंगस रंगस शॉप का नाम है सर, राणा फ्रेश फिश। राणा फ्रेश फिश जी सर। बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस है 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ की आपको एक प्लेट मिल जाएगी जिसमें कि आपको आधा किलो फिश मिल जाएगी। तो आप इसको आके एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो इसको मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।